हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक, हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश एंड और भी कई सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट के ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक के पद के लिए राज्य पात्रता परीक्षा का आवेदन पत्र कैसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर आने के बाद दोस्तों, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिल जाता है एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022। इसके सामने आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप यहां पर स्क्रॉल करेंगे, आपको यहां पर दूसरा ऑप्शन मिलेगा एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आप एक्शन के नीचे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर कुछ जरूरी दिशा निर्देश लिखे हुए आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ ब्लू कलर में जो लिखा है विज्ञापन क्रमांक 01 सेट परीक्षा 2023, आप इस पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद इसके आगे यहाँ पर लिखा है ब्लू कलर में जारी शुद्धि पत्र, आप इसकी भी पीडीएफ इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। आपको यह डाउनलोड करना जरूरी है, तभी आप आगे का फॉर्म फिल कर पाएंगे। जब आप दोनों पीडीएफ को पढ़ लेंगे, इसके बाद आप वापस इसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप घोषणा में टिक लगाएंगे, फिर आप नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा आई एक्सेप्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2022 हेतु आवेदन पत्र आ जाएगा, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को चुनना है कि आप किस सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इस लिस्ट में ऑप्शन मिलेगा म्यूजिक का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने स्नातकोत्तर यानी मास्टर्स में आपने किस सब्जेक्ट से म्यूजिक किया था, तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे म्यूजिक और म्यूजिक वोकल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह जो आवेदन पत्र आप भर रहे हैं, इससे पहले आपने यूजीसी नेट पास कर लिया है या नहीं किया है, तो आप यहां से यस और नो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे। यहां पर दोस्तों, आपको अपनी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिलेक्ट करनी है। अगर आपने फॉरेन के किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है तो आप यहां पर इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने मास्टर्स कम्प्लीट कर लिया है तो आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर अभी आप फाइनल ईयर में है तो आप लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने पीएचडी कम्प्लीट कर ली है तो आप यस और नो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपने 19 सितंबर 1991 तक अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था, तो आप यहाँ से यस और नो सिलेक्ट करेंगे। जो लोग पीएचडी होल्डर नहीं हैं, उनको यह फिल करने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों, आप यहाँ पर अपना व्यक्तिगत विवरण देंगे, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर आवेदक का फर्स्ट नेम फिल करेंगे, फिर मिडिल नेम फिल करेंगे, फिर लास्ट नेम फिल करेंगे। अगर मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर आप यहां पर अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद आपकी एज यहां पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। फिर आप अपने फादर का फुल नेम फिल करेंगे, फिर अपनी मदर का फुल नेम फिल करेंगे। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट करेंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपको अपने पति पत्नी और बच्चों की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आप यस और नो सिलेक्ट करेंगे। जो लोग अदर स्टेट के हैं, उनका यह फॉर्म अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फिल होगा, जिसमें आपको यहाँ पर अपनी कास्ट की डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं।
नहीं है। फिर दोस्तों अगर आप दिव्यांग पर्सन हैं तो आप यहां से यस और नो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप दिव्यांग पर्सन हैं तो आपको यहां पर अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र की सभी डिटेल फिल करनी होगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहां पर आपको बताना है कि कभी आपको सेवा से पृथक करने के लिए दंड दिया गया है तो आप यस और नो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला है तो आप यहां से यस और नो सिलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों अगर आप आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में हैं तो आप यहां पर यस और नो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर अपनी परीक्षा केंद्र का विवरण देना है, जिसमें सबसे पहले आप यहां फर्स्ट परीक्षा केंद्र के लिए इस लिस्ट से एक नेम सिलेक्ट करेंगे, फिर आप सेकेंड ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर चारों ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना शैक्षणिक विवरण देना है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल फिल करेंगे, जिसमें उत्तीर्ण परीक्षा का नाम आप यहाँ पर हाई स्कूल फिल करेंगे। इसके बाद आपकी ग्रेड या CGPA प्रणाली है तो आप इस पर सिलेक्ट करेंगे, वरना आप नीचे डिवीजन के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट फिल करेंगे, फिर अपना पूर्णांक आप फिल करेंगे, फिर प्राप्तांक फिल करेंगे, जिसके बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पे खुद फिल हो जाएगी। फिर आप अपना डिवीजन सिलेक्ट करेंगे कि आपकी कौन सी डिवीजन थी। इसके बाद आप अपने बोर्ड, संस्थान या विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपने किस ईयर में परीक्षा पास की थी, आप यहाँ पर ईयर लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर फिल करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर अपने इंटर की डिटेल और ग्रेजुएशन की डिटेल और साथ में ही अपने मास्टर्स की डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर राज्य सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना जिला यहाँ पर फिल करेंगे, फिर अपना पूरा एड्रेस आप लिख देंगे। इसके बाद अपना पिन कोड फिल करेंगे और अपने लैंडमार्क को आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, जिसके बाद आपका स्थायी पता यहाँ पे खुद फिल हो जाएगा। अगर आपका स्थायी पता अलग है तो आप यहाँ पर मैन्युअली फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना है। आपकी फोटो का फॉर्मेट JPG होना चाहिए और जिसका मिनिमम साइज 20KB और मैक्सिमम साइज 100KB हो सकता है। अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जहाँ पे भी अपनी फोटो को रखा है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी फोटो आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको इसके नीचे क्या अभ्यर्थी ने अपना फोटो उचित स्थान पर संलग्न किया है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का फॉर्मेट JPG होना चाहिए और इसका मिनिमम साइज 10KB और मैक्सिमम साइज 100KB हो सकता है। अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप इसके नीचे क्या अभ्यर्थी ने अपना हस्ताक्षर उचित स्थान पर संलग्न किया है आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फिर अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। इसके बाद नीचे घोषणा में आप यहाँ पर टिक करेंगे, फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप इस वेरिफिकेशन कोड का आंसर फिल करेंगे, फिर आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, आप अपनी सभी डिटेल को अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो आप कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने सब कुछ सही फिल किया है तो आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ हमारे फॉर्म का प्रीव्यू हमारे सामने आ जाएगा और जिस पर यहाँ पर लिखा है फीस प्राप्त नहीं हुई है, आप स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको फीस का ऑप्शन मिलेगा। आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर किसी भी पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसा कि हम यहां पर HDFC इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने रेफरेंस नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, आप इसको नोट करके रख लेंगे और नीचे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर हमें ₹540 का पेमेंट करना है। यहां पर नीचे हम अपना कार्ड नंबर फिल करेंगे, फिर एक्सपायरी मंथ यहां से सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद एक्सपायरी ईयर आप
आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना CVV आप यहां पर फिल करेंगे, फिर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप इस पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप वापस अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को PDF फॉर्मेट में या प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी घर बैठे म्यूजिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए राज्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।